Good morning, dear students. How are you all? Today we will do question number 2 of page number 104, subtracting money. Page number 104. Question number 2. Subtract. इट इज लाइक सिंपल सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, बट यहाँ मनी में हमें जो डेसिमल का मैंने आपको बताया है उसका आपको ध्यान रखना है. अगर हम डेसिमल नहीं लगा रहे तो ऊपर हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 रुपीज एंड पैसे, उसको रखने का आपको बिल्कुल पैसे के नीचे आपको पैसे पुट करने हैं और रुपीज के नीचे रुपीज, इस तरीके से आपको सॉल्व करना. अगर हम रुपीज और पैसा नहीं लगा रहे तो हम रुपीज और पैसे के बीच में डेसिमल लगाएंगे. आगे इस तरीके से हम लोग रुपीज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखेंगे. ओके, तो ये डेसिमल वाला है, ये सर्टेनली सॉल्व विदाउट डेसिमल. रुपीज 14.10, 14 रुपीज एंड 10 पैसे. रुपीज 2.20, यहां हम लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि हमें यहां सब्ट्रैक्ट करना है. तो जीरो से जब हम जीरो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो. अब वन एंड टू, वन इज लेसर देन टू. जो वन है ऊपर जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. अदरवाइज वी हैव टू बोरो वन नंबर फ्रॉम आवर नेबर नंबर, जो हमारे पास में जो नंबर है उससे हम हमें वन नंबर बोरो करना पड़ेगा. तो हमें इसको वन को बनाना होगा 11 और ये 4 यहाँ रह जाएगा 3. 11 से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9. ये हमारा लग गया डेसिमल के बिल्कुल नीचे, हमें डेसिमल पुट करना. 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 रुपीस. इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे रुपीस 11 रुपीज एंड 90 पैसे. इस तरीके से इसको हमें, ये जो डेसिमल वाले हैं उनमें रुपीज आगे लिखना है आंसर में भी और डेसिमल पुट करना है. जहां डेसिमल नहीं लगा रहे वहां यहाँ रुपीज और पैसे के ऊपर पी लिखना. ओके, और आंसर आंसर में एज इट इज जैसा है वैसा ही नीचे जो आता है उसका आंसर. फिर हम करेंगे डी, 9 रुपीज 90 माइनस 2 5 रुपीज 84 माइनस 7 5. अब हमें यहां इनको करना है सब्ट्रैक्ट. तो 5 से 5 सेम नंबर जब भी सब्ट्रैक्ट होते हैं वी ऑलवेज गेट 0. 2 इज लेसर देन 7 तो हमें इसको बनाना होगा 12 और इससे नंबर लिया है हमने, ये रह जाएगा हमारा 9. तो 12 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5. पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट कर देंगे हम लोग यहाँ. 9 माइनस 4, 9 से जब भी 4 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ आएगा हमारा 5. और हमने यहाँ 10 बनाया इसको 0 को और इससे हमने बोरो किया तो यहाँ 8 रह जाएगा. तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो कितने पैसे आए हमारे पास, आंसर क्या आया, 5 रुपीज 50 पैसे. ये रुपीज का हमने साइन यहाँ लगा दिया, 5 रुपीज 50 पैसे. ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग एफ. अब ये जो साइन है ये भी रुपीज का है, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग. इस तरीके जब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी तब बताया था इस तरीके से आया है. ये 254.00, बिल्कुल उसी के नीचे माइनस का साइन, 23.25. सबसे पहले हमारे पास 0 है और नीचे नंबर है तो इट मीन्स हमें इसको 10 बनाना होगा, ये रह जाएगा हमारा 9 और इसको हमें बनाना होगा क्योंकि ये 0 है, इसको इससे भी बोरो करना पड़ेगा हमें 0 को 10 बनाने में. तो 10 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर 5.
9 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 7। ये पॉइंट डेसिमल लगा दिया हमने। 3 में से 3 जब हम माइनस कर देंगे सेम नंबर माइनस होगी तो 0। और 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर 3। वी विल गेट 3 एंड देन 2। तो क्या आ गया बेटा, ये हमने ये जो रुपीज का जो न्यू साइन आया है वो लगा दिया, तो हमारे पास आए 230 रुपीज एंड 75 पैसे। ये हमारा आंसर आया। चलो अब हम कर लेते हैं जी, रुपीज ये साइन लगा दिया 633.7, 462.80, माइनस का ये साइन करा। अब 5 से 0 माइनस होगी तो 5, 7 इज लेसर देन 8, वी विल मेक इट 17, और यहां से बॉरो किया तो इसको बना देंगे 2। 17 में से जब 8 नंबर हमारा जाएगा तो हमारे पास नंबर आएगा 9, और ये हमने लगा दिया यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट कर। अब 2 माइनस 2 सेम नंबर है 0, 3 माइनस 6, 3 इज लेसर देन 6 सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट, सो वी हैव टू बोरो एंड मेक इट 13, एंड हियर इट इज 5। 13 माइनस 6 इज 7, एंड 5 माइनस 4 इज 1, सो आवर आंसर इज 170 रुपीज एंड 95 पैसे। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 104 वो हम लोग कर रहे हैं। और आपका जो इस टाइम इस जो आपको सैटरडे को जो आपका टेस्ट है 7 को वीकली टेस्ट गूगल फॉर्म, उसमें आपका कोर्स भी ये मनी वाला चैप्टर ही रहेगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस रहेगा मैथ्स का वो मनी वाला चैप्टर ही रहेगा। तो हमारा स्टोरी सम्स नहीं, पेज नंबर 104 तक ही रहेगा, स्टोरी सम्स आपको पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, जो मनी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से पेज नंबर जो आप आज तक हमने कर लिया है वही जो पार्ट हम टेस्ट में लेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका मैं आज हमने सब्ट्रैक्शन किया है, बाकी जो और भी हम लोग कर लेते हैं एक दो। नाउ वी विल डू एच, एच ऑफ क्वेश्चन नंबर। माइनस अब हम करेंगे 0 में आपका इट मीन्स हमको 10 बनाना ही है, और 10 बना लिया तो 1 इससे बोरो किया तो ये रह जाएगा हमारा। अब 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा नंबर आया 5। अब 2 इज लेसर देन 6, जो 2 ऊपर जो ऊपर वाला नंबर है बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं है तो हमें बोरो करके उसको बनाना होगा, तो हमें इस 2 को बनाना होगा 12, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1। अब 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 6 टू 12 तो हाफ हो जाएगा ये 6। फिर यहाँ 1 और 6 है, 1 इज लेसर देन 6 तो हमें क्या करना होगा, इसको बनाना होगा 0, और ये रह जाएगा हमारा इसको 11 बना लेंगे। तब हम 11 से 6 निकालेंगे 5, और पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना, ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ बन जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 4। 10 से 5 निकले, 5 टू 10 तो हाफ 5, और 4 से 2 गया तो ये क्या आंसर आया बच्चों हमारा 255 रुपीज एंड 60 पैसे। तो इसी तरीके से आपको सारे जो पेज नंबर 104 पे है, कल मैंने आपको कुछ 4 ही क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, बाकी मैंने बोला था कि आपको करने हैं तो आप करिएगा उनको बुक में ही करिएगा, जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व कराया है वो ही आप कॉपी में करिएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अदर्स डू प्रैक्टिस ओनली इन बुक और इन योर प्रैक्टिस कॉपी, डू नॉट राइट इट इन द क्लास वर्क कॉपी। ठीक है बच्चों, तो ये आप काम करिए और सब्ट्रैक्शन को बार बार करिए। आपका सिलेबस जो है वीकली टेस्ट का जो सैटरडे को होने वाला है
उसका सिलेबस भी यही रहेगा बच्चों, मनी वाला चैप्टर। मैं और आपको लिख के सेंड कर दूंगी आपका जो मनी जो अभी हम रिसेंट पढ़े हैं, और 104 पेज नंबर 104 तक ही आपको स्टोरी सम्स कल करवाऊंगी मैं, पर वो स्टोरी सम्स नहीं दूंगी। ओके बच्चों।